أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. السلام عليكم جناب، مجھے بتائیے گا آواز سکرین کلیئر ہے آپ کو؟ جی، وائس اور سکرین کے اوپر مجھے فیڈ بیک چاہیے آپ سے. सर जी, शुरू करते हैं. हमारा नया एरिया, हम लोगों ने लास्ट टाइम रिस्क के एरिया को काफी डिटेल से कवर किया था. हमने इसके सवालात को भी कर लिया था और चैप्टर 3 से हमारा फ्रॉड का एरिया रह गया, तो वो हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करना. और जो अब चैप्टर 4 के अंदर डॉक्यूमेंटेशन नामिक स्टैंडर्ड हम लोगों ने मिस किया था, आज हमारा टारगेट वो है अलॉन्ग विद इट्स पास्ट पेपर्स. आसान सा एरिया, क्रैमिंग बेस्ड एरिया, कोई मुश्किल बात नहीं करता और छोटा सा क्यूट सा स्टैंडर्ड जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है. शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन. जी, डॉक्यूमेंटेशन. सर जी, डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या है? डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? तमाम तर चीजें जो कि आप नोट कर रहे हैं, तमाम मीटिंग्स जिसको आपने मिनट्स की फॉर्म में अपने पास कागजों पर सेव कर रखा है, जो जो प्रोसीजर परफॉर्म करते जा रहे हैं वो सारे भी आप लोगों ने लिखे होंगे, जो जो एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं वो सारी बातें, तो हर वो चीज जो कि आपने ऑडिट में लिख ली है, इन राइटिंग आ गई है, या उसका आपने ओरल भी अगर रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो ये कहलाती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर्स. इसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग पेपर्स. तो जो जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन प्रोसीजर से जो जो एविडेंस हासिल किया जा रहा है, और जो जो कंक्लूजन्स हम लोगों ने निकाली है, अखज की है, उन सबको ट्रैक में रखना, उन सबको रिकॉर्ड रखना कहलाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है. तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बात बताऊं, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने शुरू में 5 एलिमेंट्स पढ़े थे एश्योरेंस के. उसमें क्या था? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, दोनों को कंपेयर करो तो एविडेंस आएगा और रिपोर्ट. हर वो प्रोसीजर जो कि मैंने परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और हर वो एविडेंस जो मैंने हासिल किया है बाय अप्लाइंग दीज प्रोसीजर्स, दे आर टू बी डॉक्यूमेंटेड, और इनको कंपेयर करने के साथ जो जो कंक्लूजन मेरे सामने आई है मैंने उसको रिकॉर्ड कर लेना है, मैंने उसको साथ साथ लिख लेना. ये डॉक्यूमेंटेशन आप फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं. ये क्लाइंट बाय क्लाइंट, एंगेजमेंट बाय एंगेजमेंट बनाई जाती है. हर साल के हर क्लाइंट की अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन होंगी और इसके जो फोल्डर्स हैं वो एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर आपने फिजिकल स्टोर करना है तो आपको हार्ड बाउंड फोल्डर्स रखने पड़ेंगे जो बॉक्स फाइल्स होती, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करना है तो आपको किसी स्टोरेज मीडिया जिस तरह जी ड्राइव हो गई उसमें इसको स्टोर करना पड़ेगा. क्लियर डेफिनेशन? ऑल्टर जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको टाइमली बेसिस के ऊपर ये बनाने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, और ये ऐसी होनी चाहिए जिसको अगर कोई ऐसा ऑडिटर उठा के पढ़े जो कि अपने अंदर तो एक्सपीरियंस्ड है मगर उसका उस ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है उस रेलेवेंट ऑडिट से जिसकी फाइल वो पढ़ रहा है,
तो वो ये तीन चीजें आसानी से अंडरस्टैंड कर ले, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड और एविडेंस ऑब्टेंड, और जो जो कंक्लूजन्स आपने निकालूंगा उसके ऊपर बनानी है। दो तरीके होते हैं, एक होता है बैच प्रोसेसिंग और एक है साइमल्टेनियसली आप सिस्टम में चीजें डाली जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि आपने उसको साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग में रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें बैच प्रोसेसिंग करेंगे तो देर आर चांसेस कि चीजें भूल सकते हैं आप, कुछ चीजें मिस की जा सकती हैं। तो इट शुड बी ऑल द टाइम डन एवरी डे। जो जो चीजें आपने ढूंढी हैं, जो जो चीज आपने लगाए हैं, जो जो कंक्लूजन आपने हासिल किया है, जो जो मीटिंग्स का आपके साथ हुई हैं, सबको आपने साथ साथ रिकॉर्ड करते जाना, कोई चीज छोड़नी नहीं है, ताकि हर एक ऑडिटर जो कि एक्सपीरियंस्ड है, समझता है चीजों को, वो अगर आपकी फाइल खोल के रिव्यू करना चाहे और उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस रेलेवेंट ऑडिट से, तो वो भी आसानी से उसको रिव्यू कर सके। ऑडिटर ने और क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है? तमाम डिस्कशंस जो के सिग्निफिकेंट मैटर्स पे हुई, तमाम डिस्कशंस जो के उन मैटर्स पे हुई, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है, अगर मैनेजमेंट कुछ और करना चाहती है, या अगर आपने अपने प्रोसीजर्स को चेंज किया है, जो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको नजर आए, अगर आपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, उसकी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, हर हर इंपॉर्टेंट बात आपने साथ साथ डॉक्यूमेंट करते जाना। लेट मी शो यू अ पेपर, ये देख, ये एक फाइल है, एक वर्किंग पेपर है। जरा 2-4 मिनट इसको ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं कि आपने इस पेपर में क्या क्या काम की बातें आइडेंटिफाई की। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, रीड दिस वर्किंग पेपर एंड सजेस्ट के इस वर्किंग पेपर के अंदर कौन कौन सी बातें आपको काम और किन किन को आप डॉक्यूमेंट करेंगे। देखें जरा गौर से।
जी नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या चीजें इसमें देखने के काबिल हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्लाइंट का नाम नजर आ रहा है, क्लाइंट का नाम। कौन से एरिया के ऊपर काम किया जा रहा है? ट्रेड पेपर्स। ईयर एंड क्या है? किस वर्किंग पेपर का रेफरेंस नंबर? किसने बनाया उसके इनिशियल्स? और कब बनाया वो टाइम वो डेट? किसने रिव्यू किया उसके इनिशियल्स? किस डेट पे रिव्यू हुआ? असर्शन क्या थी कि आपने वैल्यूएशन को वेरीफाई करना था। काम क्या किया कि आपने 5 का सैंपल उठाया, उसको रिकंसाइल किया लेजर के साथ और वैल्यूएशन को वेरीफाई किया। वैल्यूएशन को वेरीफाई किया 5 का सैंपल उठाकर। जो रिजल्ट आया वो नीचे आ रहा है। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, एम और एन। लेजर में जो बैलेंस था वो नजर आ रहा है। सप्लायर के स्टेटमेंट में जो बैलेंस आया वो नजर आ रहा है। दोनों टैली हैं। याद करें हम लोगों ने क्या कहा था, जब खत टैली हो तो फाइल में लगा देना। तो इसका जो खत आया होगा वो फाइल में लगा दिया होगा, उसको नोट यहां पे कर लिया। ये वाई लिमिटेड भी टैली है, नोट कर लिया। एम भी टैली है, इसको भी नोट। तो ये जो टिक आ रहा है इट मींस कि ये एग्रीड है। फिर जेड में फर्क आ गया, 1320 1420, 100 रुपए का फर्क है। इसकी क्या कहानी है? नोट वन में लिखा हुआ है। ये जो उल्टा टिक आपको नजर आ रहा है ना, इट मींस कि ये पेबल से एग्री, यानी कि ये लेजर की अमाउंट है जो कि एग्रीड है। ये नीचे ना कुछ कीज बनी हुई है। ये साइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? और ये जो ट्राइंगल आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो टोटल है ये उन्होंने चेक कर लिया, कास्टिंग कोई अलग नहीं। अच्छा, पहला डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, क्रेडिट नोट। और दूसरा, इनवॉइस को अकाउंट फॉर नहीं किया गया, तो अकाउंट फॉर कर लेंगे तो रीजन खत्म हो जाएगी। आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स जो ट्रेड पेबल है अब उसको हम फेयरली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये सारी बात आप लोगों ने पढ़नी है, देख ली है। अब ये देखें वर्किंग पेपर्स में क्या क्या शो होना चाहिए। क्लाइंट का नाम वहां भी था, अकाउंटिंग डेट भी वहां मौजूद थी, फाइल रेफरेंस भी वहां मौजूद था। किसने बनाया, कब बनाया, कौन रिव्यू कर रहा है, कब रिव्यू कर रहा है, जो ऑडिट ट्रिक्स और सिंबल्स, रिव्यू के डेट, लिस्टिंग एरर कोई तो नहीं है, और क्या क्या कंक्लूजन आपने हासिल की है। डीजी और टीआर इनिशियल्स हैं। टीआर कैन बी तारिक रहमान और डीजी कैन बी दाऊद, एंड जी स्टैंड्स फॉर गोहर, दाऊद गोहर, कोई भी नाम है। ये इनिशियल्स हैं, जिस तरह उसामा वहीद का ओडब्ल्यू, फराज अहमद का एफए, गुजर कह लें, कुछ भी कह लें, कोई भी नाम दिया जा सकता है। ये हम लोग क्यों बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन? ताकि क्वालिटी को एनहांस किया जा सके, ताकि लोगों को असिस्ट किया जा सके, सुपरवाइजर्स को असिस्ट किया जा सके, वो बाद में जब देखे तो उनको पता चले कि हो क्या रहा है। रिकॉर्ड्स को रिटेन रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बरकरार रखने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। तो अब डॉक्यूमेंटेशन है क्या? आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पेपर पे भी होती है और किसी और मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, डिजिटली आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, समरीज, लेटर्स, चेकलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस, हर वो चीज हो कि आपने इससे पहले देख ली है, ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो रही होती है। बेसिक सा स्टैंडर्ड है, कोई मुश्किल बात नहीं करता, और आईकैप भी इन चीजों को ज्यादा टेस्ट नहीं करता।
आपको बताता हूँ कि चैप्टर में से या स्टैंडर्ड में से वो पूछता क्या है असल में। अच्छा जी, असेंबली, असेंबली जो है स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाए तो होता है। बेसिकली क्या आपको याद होगा, हम लोगों ने कहा था ना कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स में जब ऑडिट खत्म होने के बाद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैसिव हो जाती है, और अगर कोई मसला सामने आए तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं है, मगर हम उस मसले को तलाश नहीं करते। होता यह है कि जब ऑडिट मुकम्मल हो जाता है तो सीनियर्स आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं, और वहां से फ्री होकर या फर्म आके बैठ जाते हैं या किसी और क्लाइंट पे चले जाते हैं, मगर जूनियर्स बेचारों की शामत आ जाती है। पार्टनर कहता है कि तुमने 2 महीने बैठना है और बैठ के 2 दिन काम करने। नंबर 1, तुमने एक तो फाइल को असेंबल करना, क्योंकि ड्यूरिंग ऑडिट क्या हुआ होगा, किसी के पास कोई सफा किधर है, कोई सफा कहाँ पे है, किसी ने पर्ची पे रिकॉर्ड किया, किसी ने कागज पे रिकॉर्ड किया, किसी ने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया हुआ है, किसी ने ईमेल पे रिकॉर्ड किया हुआ है, किसी ने वाउचर पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो डिफरेंट चीजें डिफरेंट जगह पे बिखरी पड़ी होती है, तो इन्होंने बैठ के असेंबल करना है, जोड़ना। और साथ ही साथ जब ये वहां पे मौजूद होंगे तो ये वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो फेज बी और फेज सी वाले हैं, फेस ही मोस्टली, ये उनको भी देख रहे होते। तो क्लाइंट को एक हौसला होता है कि यार कोई ना कोई बंदा हमारे पास अभी बैठा है, कोई ना कोई सपोर्ट स्टाफ हमारे पास बैठा है, उनका बैठ के यही काम होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, और 60 दिन तक तो वो लाजमी वहां पे बैठ रहे होते। तो ये है असेंबली वाली बात। सर जी, इसकी जो ओनरशिप है वो ऑल्टर की होती है। ऑल्टर ने ये इंश्योर करना है कि उसको सेफ रखेगा, और स्टैंडर्ड कहता है 5 साल, अगर कंपनी जेड कहता है 10 साल तक आपने इसको रिटेन रखना है, और जहां पे क्लैश आ जाए तो हम किसकी मानेंगे, हम कंपनी एक्ट की मानेंगे। तो 10 साल तक आपने अपने रिकॉर्ड्स को महफूज रखा। स्टैंडर्ड के मुताबिक जो रिटेंशन पीरियड है वो 5 साल है, मगर सी लॉ जो कंपनी एक्ट है वो कहता है 10 साल। ये बात भी आसान है, असेंबली हम लोगों ने कवर कर ली। जो एरिया आई के अब नॉर्मली टेस्ट करता है दैट इज मॉडिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट एरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। मॉडिफिकेशन कहते हैं सब्सिक्वेंट चेंज, यानी कि पहले आपने एक काम करके उसको नोट डाउन किया, अब आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। अगर जरूरी है उसको मॉडिफाई करना, किसको, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, अगर तो जरूरी है कि आपने मॉडिफाई करना, नीड है, नेसेसरी है। अच्छा, ये बॉडी मॉडिफिकेशन क्या है, ऑल्टरेशन, यानी कि एक कागज लगा होगा, उस कागज के अंदर कुछ काटना पीटना होगा, और जो चीज आप काट पीट रहे हैं उसकी आपको क्या बतानी पड़ेगी रीजन, और जो बंदा काट रहा है वो अपने साइन भी करेगा, अपना नाम भी लिखेगा, ताकि बाद में उसको अकाउंटेबल किया जा सके कि तुमने क्यों काटा, किस लिए काटा, किसके कहने पे काटा, क्या रीजन थी। और ये जो फाइल्स हैं, ये फाइल पड़ी होती है स्टोर रूम में, स्टोर रूम के बाहर एक गार्ड बैठा होता है, और हर गार्ड हर बंदे का नाम, वो क्या किस मकसद से आया, उसको कौन सी फाइल चाहिए, कौन सा कागज चाहिए, वो भी अपने पास रजिस्टर में नोट करता है, और उसको सिर्फ रेलेवेंट फाइल ला के देता है खुद जाके, ताकि किसी और जगह पे ये नुमाइंदा जो है फॉर्म का वो हाथ पांव ना मार सके। अगर कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है, या तो आपने एग्जिस्टिंग को चेंज करना है, वो तो ऑल्टरेशन है, और अगर नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है वो नोवेशन कहलाती है। अगर मैं आपको बी लॉ के टर्म्स में बताऊं, एक होता है वर्ड ऑल्टरेशन, एग्जिस्टिंग को चेंज करना, और नोवेशन कहते हैं नया डॉक्यूमेंट ऐड करना। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक रीजंस देनी पड़ेंगी, और अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कोई चीज चेंज करना है, अब याद करें सबसीक्वेंट इवेंट्स, आईजा 560 रिपोर्ट इश्यू हो जाती थी, बाद में कुछ मसले आते थे और वो मसले नॉर्मली नॉन एडजस्टिंग होते थे, तो हमें डिस्क्लोजर ऐड करना पड़ता था, हम वो रिपोर्ट्स वापस मंगवाते थे, फिर उसके ऊपर काम करके रिपोर्ट्स को फिर से इशू करते थे, और नई इशू हुई रिपोर्ट के ऊपर ओएमपी भी आ रहा होता था, ईओएमपी भी आ रहा होता था, और हम लोगों ने वहां पे कहा था कि साथ साथ डॉक्यूमेंट भी कर लेना है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी है अगर कोई ऐसा मुद्दा आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट आया, तमाम मुद्दों को सामने रखा जाएगा।
जो जो आपने नए या एडिशनल काम किए वो, जो जो एविडेंस नया हासिल किया वो, जो जो नई कंक्लूजन हासिल की वो, और उसका रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट है, वो सारी चीजें नोट करेंगे। 560 ने आपसे नोट करवाई थी, फिर कौन कब कैसे क्यों किस वक्त कर रहा है वो सारी बात आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो ये है स्टैंडर्ड, बेसिक सा, आसान सा, ये तकरीबन एक जैसी बात ही बार बार रिपीट कर रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, किस किस को चेंज करना है, कब चेंज कर सकते हैं, क्या रीजंस हैं फॉर प्रिपरेशन, क्या क्या चीजें नोट करनी है, क्या क्या चीजें आएंगी, ये सारी बातें ये स्टैंडर्ड हमसे प्यारे तरीके से कवर करते हैं। अब ये कोई मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, तो लगे हाथ इसके सवालात भी देख लेते हैं ताकि हमारा काम मजीद आसान हो और ज्यादा टेंशन ना आए। देखते हैं इसके सवालों को। अभी तक कुल मिला के कितने सवाल आ चुके हैं? छे, यस, छह सवाल आ चुके हैं। जो सबसे रिसेंट सवाल आया था वो स्प्रिंग 23 में आया था, और उससे पहले आया था ऑटम 16 में। अब आप गैप देख लें, यानी कि 17 में कोई नहीं आया, 18 में कोई नहीं आया, 19 में कोई नहीं आया, 20 में कोई नहीं आया, 21 में कोई नहीं आया, 10 अटेम्प्ट, 5 सालों में सवाल ही कोई नहीं आया, और फिर अचानक साइकिल में 4 नंबर के लिए पूछ लिया। कब, जब बच्चे ये साबित कर चुके थे कि अब तो आई कैप टेस्ट नहीं करेगा, ये बड़ा अनइम्पॉर्टेंट सा एरिया है, आसान एरिया है, तो आई कैप ने 4 नंबर के लिए आपको चौकन्ना कर दिया। क्या कहा? इन अ रिसेंट ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिट मैनेजर कंप्लीटेड द फाइनल असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, ले जनाब फाइनल असेंबली हो गई है। सब्सिक्वेंटली द ऑडिट पार्टनर एक्सप्रेस्ड द इंटेंशन टू रिमूव सर्टन रिव्यू रिमार्क्स। पार्टनर ने कहा यार मुझे कुछ चीजें रिमूव करनी है, यानी कि मॉडिफिकेशन आ गई है। बताएं क्या वो पार्टनर रिमूव कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, मॉडिफाई करेगा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को। तो ये सारी कहानी आपने यहां से देखे यहां तक, ये आपने 4 नंबरों के लिए रिप्रोड्यूस करनी थी। जो मॉडिफिकेशन वाली बातें हैं वो आपने सारी उठा के टाइप कर दे और लिख देनी थी। ऊपर जनाब क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है असेंबली के अंदर, तो ये सारी कहानी 3 नंबरों के लिए आपसे असेंबली वाली बात पूछ गया, रटे में, ये भी रटा, ये भी रटा। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सलीम लिमिटेड वॉज साइंड ऑन 30 अप्रैल, रिपोर्ट इशू हो गई है, ऑडिटर को बाद में मसला आया। अब रिपोर्ट इशू हो गई है यानी कि बाद के इश्यूज हैं, तो ये सारी बातें। अब कहने को आप कह सकते हैं ये तो केस स्टडी है, मगर ये सीम्स लॉजिकल सवाल है, जिसमें केस स्टडी नहीं है, पूछ को क्रैमिंग रहा है, मगर ऊपर एक हल्का सा 1.5-2 लाइन 3 लाइन का सिनेरियो खड़ा कर दिया कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए तो आप पार्टीज के नाम यूज कर लें। मजीद क्या पूछा है कि आपने देख लेते हैं। व्हाइल रिव्यूइंग द ऑडिट फाइल ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, आपने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं इन द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट। अब अगेन फिर से वही बात, आफ्टर द डेट, तो आपने ये सारी कहानी लिख देनी। फिर से रिपीट हो गया सवाल, क्या एक ऑडिटर डिस्कार्ड कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट इशू होने के बाद? नहीं, हमने उसको रखना है एज पर स्टैंडर्ड 5 साल और एज पर कंपनीज एक्ट 10 साल। क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस? कोई सी 3 एग्जाम्पल्स दे दें, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस? तो आपने इतने सारे स्टैंडर्ड्स कवर किए हैं, आप कोई सी भी 3 एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं। और आफ्टर द इश्यूएंस वाली बात फिर से रिपीट कर गया, इससे ऊपर क्या है? फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट, तो फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट मुझे यहां से मिल जाएगा, ये पूछ रहा है वो 7-8 नंबरों के लिए कि क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ पे चीजें जाती हैं, क्या क्या चीजें रेलेवेंट हैं जो कि आप लिखनी होती हैं, ये सवाल आ गया। और नीचे कहा जा रहा है कि आप बताएं इसको डिफाइन करिए होता क्या है। तो अगेन
आगे अब अगर पूछे तो 3 4 नंबर के लिए पूछ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर वैसे अगर हम बात करें तो ये एक नॉन इम्पोर्टेंट सा एरिया है, तो आपने इसको ज्यादा ड्यू केयर नहीं देनी। बस एक दफा आज के आज इसको याद करके साइड पे फेंक दें ताकि आपको एग्जाम के लिए मजीद तंग ना करें। डन? तो आज हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो पेंडिंग आ रहा था वो खत्म हुआ। एक चीज और हम लोगों ने पेंडिंग की हुई है, सैम्पलिंग के पास पेपर्स, तो वो हम लोग कल कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है, कंट्रोल्स। इस वीक का एंड कंट्रोल्स के एंड पे करेंगे। नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो फ्रॉड, और उसके बाद चैप्टर 6 करके सिलेबस को वाइंड अप करेंगे 10 तारीख तक इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आपका टारगेट बहुत ही कमजोर सा है। मैंने इसलिए भी कमजोर रखा क्योंकि आज आपके पास एक टेस्ट भी है, तो आपका टाइम वहां भी लगेगा ज्यादा। इसको एक दफा पढ़ के बस अच्छे से तैयार कर लें ताकि बार बार आपको ये तंग ना करें। कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।